हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको हिस्ट्री की 2100 क्वेश्चनों के एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो वीडियो आ गई है ठीक फ्रेंड। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 1700 प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं ठीक फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन जो मैंने पिक किए हुए हैं, जो मैंने आपको हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई है ना, रामचरण शर्मा की बुक से, जो प्राचीन भारत पढ़ाया, बिपिन चंद्रा की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है, और सतीश चंद्रा की बुक से जो मध्यकालीन भारत पढ़ाया, तो ये उन्हीं तीनों बुकों का निचोड़ मैं आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक फ्रेंड्स। अगर इससे पहले किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख ले, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी हमने वहाँ पर बहुत अच्छी तरह और बहुत डिटेल में पढ़ी है ठीक फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चनों में मैं ज़्यादा समझाऊँगा नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ठीक फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चन देखेंगे ठीक फ्रेंड्स। हम 2100 क्वेश्चन कि जो हमारी जर्नी है वो 3-4 पार्टों में कंप्लीट कर देंगे ठीक फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो, ये UPPCS, UP लेखपाल, RRB, NTPC, ग्रुप डी वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है ठीक फ्रेंड्स। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, लगभग 3800-3900 क्वेश्चन मैंने करवा दूँगा आपको हिस्ट्री से ठीक फ्रेंड्स, और इसके बाद हिस्ट्री की वीडियो नहीं आएगी ठीक फ्रेंड्स। 3800 क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर आपने डीप पढ़ा है तो, और इस वीडियो के जो क्वेश्चन का लेवल है वो 90% टफ है, 10% ईजी है ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ये हमारा रेशो है इस वीडियो का। तो चलिए देखते हैं ठीक फ्रेंड्स, थोड़ी तीव्र गति से चलेंगे, अब सही दिखाई दे रहा होगा ठीक फ्रेंड्स। हमारा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं बताता चलूँगा ठीक फ्रेंड्स, आंसर भी मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए पहला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विचार का प्रचलन महावीर ने किया था ठीक फ्रेंड्स। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि महावीर ने ये ब्रह्मचर्य जोड़ा है ठीक फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, भोगाजकोई एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंद्र, मित्र, वरुण, नाथ ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन चलिए, समाधि मरण किससे संबंधित है, तो समाधि ये जैनों से है ठीक फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रथम बौद्ध नंदी थी, तो सब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी, तो ये थी प्रजापति गौतमी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संघ के नियम कौन सी पुस्तक में दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। आगे चलते हैं, अगला देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय में कहाँ बनी, तो ये बनी थी मथुरा और गांधार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक फ्रेंड। सातवां क्वेश्चन समझिए सिंपल भाषा में, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी में जो शहर मिले थे ना, उन शहरों में जो घर थे, तो उन सारे घरों के जो दरवाजे थे ना, वो घर के अंदर की तरफ खुलते थे, और एक शहर ऐसा था जिसका दरवाज़ा घर के अंदर की तरफ ना खुलकर सड़क की तरफ खुलता था, तो वो था लोथल ठीक फ्रेंड, सिंपल वे में समझ लीजिए। युगम समाधान के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा लोथल ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए ठीक फ्रेंड्स। आठवें का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इधर देखिए ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा लोथल। पक्की ईंटों के बने हल की प्रतिमा कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है हरियाणा के बनवाली में ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये बनावली भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पीय नगरों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण थे, तो ये लक्षण ये था कि उनकी जो भी टेक्निक वगैरह थी वो योजनाबद्ध थी ठीक फ्रेंड्स, एकदम A1 क्वालिटी की टेक्निक का यूज करते थे। आगे चलिए, 11वां नंबर देखिए ठीक फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब प्रभावित हो गई, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। 12वां नंबर देखिए ठीक फ्रेंड्स, वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स, आपको देख के ही लग रहा होगा। अब यह है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिक्षु हैं ठीक फ्रेंड्स, भिक्षु गु है, और मेरी माता अन्न पीसती, तो ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा लिखा है ऋग्वेद में ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स, ये है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14वां नंबर देखिए, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 3री शताब्दी में ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बौद्ध ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ से कोई लेना देना नहीं था उनका। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में क्यों लिखे गए थे, क्योंकि ये भाषा लोगों को समझ आ जाती थी इसलिए ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे हुए मिलते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी
ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17वें का। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप उल्लेखित है, तो ये बताइए किसमें है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विद्यावदान में। ठीक फ्रेंड्स, इसमें मौर्यों का उल्लेख वगैरह बताया हुआ है। आगे चलते हैं, 19 नंबर, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके इनके ऊपर मैंने पूरी कहानी सुनाई हुई है आपको, तो आप पहला जो पार्ट है 700 क्वेश्चनों का उसमें देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 20वां नंबर देखिए, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार के रूप में दी थी, तो ये थी सातवाहनों ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त होता था, तो ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी, सत्कर्णी पुत्र के लिए एका ब्राह्मण शब्द का यूज होता था। डिफरेंट, ये देखिए, आगे चलते हैं। डिफरेंट, इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था और इस पर बहुत ही हाई टैक्स लेता था, तो ये था कुषाण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 24वां देखिए, किस कुषाण शासक ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थी, तो ये था कनिष्क। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 25वां नंबर, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्मम पर दुख प्रकट किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये कह किया था पिलिनी ने। ठीक फ्रेंड, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवता मिलते हैं, तो ये था कड़फिसर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए, 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरीपल्स, ठीक फ्रेंड्स, पेरीपल्स ऑफ द एरेथियन सी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहा जाता था अरिकामेडु को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ रहे होंगे, ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर टकरेंगे। आगे देखिए, 28वां नंबर, गंधार मूर्ति कला की सर्वोच्च कृतियाँ कब प्रकट हुई थी, तो ये हुई थी कुषाण काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 29वां नंबर, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए, ठीक फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा कि चित्रों में जो पैंट जैसी पतलून पहन रखी है ना, तो वह कौन सा भारतीय शासक था, ये था कनिष्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंधार कला किन दो कलाओं का ये संयोजन थी, तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो हिंद यूनानी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिए आंसर। 31वां देखिए, ठीक फ्रेंड, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से होता था, तो बताइए किस पत्तन से होता था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, ताम्रलिप्ति, जब गुप्त काल का नाम आए तो ताम्रलिप्ति आएगा बंदरगाह। 32वां देखिए, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों जैसी कौन सी भाषा बोलते थे, तो ये बोलते थे प्राकृतिक। ठीक फ्रेंड्स, जो स्त्री और पुरुष वगैरह थे वो, और जो शूद्र वगैरह, वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, 33वां नंबर, नगरों का क्रमिक पत्तन किसके काल में शुरू हो गया था, तो ये हो गया था गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, नगरों का विघटन होना गुप्त काल में शुरू हो गया था। आगे चलिए, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि अनुदान दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, गुप्तों ने। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए, विदक भागम। आगे देखिए, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन होता था, तो ये होता था शिव और पार्वती का, कहीं दिया हुआ है, हाँ इधर है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, शिव और पार्वती, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था हेनसांग को। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी, तो ये थी कन्नौज। मैरोली में लो स्तंभ है, तो किस राजवंश का है वो, तो वो था गुप्त राजवंश का। ठीक फ्रेंड्स, अब दिखाई दे रहा होगा गुप्त राजवंश। सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, तो प्रयाग और कन्नौज में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया हुआ है आपको। आगे 41वां देखिए, बैकोन सा के अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज को अपने अंडर कर लिया था।
फ्रेंड्स, तो वो था धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी 19वीं शताब्दी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था, तो बताइए, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, मिहिर बोध के काल में आया था ये, और ये अगर ये पूछ ले ये कहाँ का यात्री था, तो ये ईरान का था। ठीक फ्रेंड्स, ईरानी यात्री था सुलेमान, कई बार पूछा है। आगे चलते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था, तो सोलंकियों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको काला पकौड़ा या ब्लैक पकौड़ा कहा जाता है, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक फ्रेंड, आगे चलते हैं, वही क्वेश्चन देखो घुमा के पूछ लिया। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित किस मंदिर में से यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पकौड़ा कहा जाता था। ठीक फ्रेंड, तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, कोणार्क मंदिर। आगे चलते हैं, 46वां खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली में बने हुए हैं, तो ये नागर शैली में है, जो हज़ारों बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन मैंने पिक किया हुआ है, एकदम डिटेल में उठाया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, उड़ीसा का, ठीक फ्रेंड्स, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर डी नरसिंह देव ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अब पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान ने किसी से विवाह किया था, जो उसके शत्रु की बेटी थी, तो वो थी गढ़वाल के राजा की बेटी संयुक्ता। ठीक फ्रेंड्स, इसी की वजह से ये युद्ध हार गया था, और आई थिंक इसकी जो फ्रेंडशिप थी संयुक्ता के साथ थी, बट इसका बाप नहीं चाहता था कि ये मेरी बेटी से शादी करे या इससे फ्रेंडशिप करे। जब इसे मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था ना 1192 में, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, तब इसने इससे मदद मांगी थी, बट ये अपनी बेटी के चक्कर में इसकी सहायता नहीं करना चाहता था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ये चाहता था कि ये मेरी बेटी से दूर चला जाए, और इसी वजह से इसको दूर करने के लिए इसकी सहायता नहीं की, और जिसकी की वजह से ये युद्ध हार जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो मेन बात है यहाँ इसकी बेटी का याद नाम रखना, गढ़वाल के जो जयंत राजा था उसकी बेटी का नाम था संयुक्ता, जो इसकी वाइफ थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। ठीक फ्रेंड्स, इसी के ऊपर सारी कहानी थी उस टाइम। आगे चलते हैं, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनवाया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी। देख लो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, आजकल ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, शायद आपने पहली बार सुना हो ये क्वेश्चन, कि जो सूर्य देवता का मंदिर है उसे रथ के द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए, आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बता दिया अभी मैंने। ठीक फ्रेंड्स, किसने बनवाया नहीं था, ये पूछा गया कि किस शैली में बनाया या किस में बनाया, तो ये पूर्णतः संगमरमर में बनाया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये पूर्णतः संगमरमर में बनाया। आगे चलिए, नागर द्रविड़ और बेसर शैली क्या है, तो भारत में प्रचलित तीन मुख्य वास्तुकला शैलियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरबों के सिंध को, ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है यहाँ, किस राष्ट्रकूट राजा ने गुजरात में अरब के सिंधों को हराया और चढ़ाई करने से रोका, तो ये था ऑप्शन नंबर डी दंती दुर्ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी पांडे। अब आगे चलते हैं, 54 नंबर पर, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनवाने की कौन सी शैली विकसित हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बादामी जो चालुक्य वगैरह थे, जो मंदिर बनवाने की कौन सी विधि विकसित की थी इन्होंने, या शैली विकसित की थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, बेसर शैली में इन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए थे। 55 नंबर देखिए, इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ाया था, आई थिंक ये दूसरा पता नहीं तीसरा चैप्टर था, तो इसमें मैंने बताया था कि जो ये पाल पतियार और राष्ट्रकूट थे, ये कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे, बट इसमें सेन वंशों का कोई हाथ नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। 56 नंबर देखते हैं, कौन सी चालुक्य मंदिर, ठीक फ्रेंड, कौन सी चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए कौन सा कहा जाता है, ये ऐहोल। ठीक फ्रेंड्स, ऐहोल कहा जाता है चालुक्य शहर मंदिरों का शहर। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसको समर्पित है, तो बताइए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक फ्रेंड, नटराज को समर्पित है। वह
दक्षिण भारतीय राजा कौन था? ट्रिवेंट्स राजा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य ट्रिवेंट्स, ये पूछा जा रहा है कि वह दक्षिणी भारतीय राज्य कौन था जिसके पास A1 क्वालिटी की नौसेना या नेवी थी? तो ये थे चोल ट्रिवेंट्स। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कई बार थोड़ा और भी डीप में जाके PCS में क्वेश्चन ये बनाया है, UPPCS में कई बार क्वेश्चन ये बनाया है कि जब ये ट्रिवेंट्स क्वेश्चन ये बनाया UPPCS में कि जब ये चोल राज्य था ना, तो ये चोल राज्य के टाइम ये बंगाल की खाड़ी किसके अंडर थी? तो ये बंगाल की खाड़ी चोलों के अंडर थी, और चोलों को अंडर, बंगाल की खाड़ी चोलों के अंडर किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, जब तक इनका राज्य चलाना चोलों का, तब तक इनके पूरे राज्य में वो बंगाल की खाड़ी थी, उन पर सिर्फ इनका अधिकार रहा था। ठीक है, इनके पास नौसेना वगैरह थी, और कई बार पूछ लेता है बंगाल की खाड़ी चोलों के अंडर कौन लेके आया था? तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये क्वेश्चन UPPCS में बना है डीप में जाके। आगे चलते हैं, एलोरा डिफरेंट, एलोरा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो बताइए कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? बताइए बताइए, तो ये बनवाया था राष्ट्रकूट ने। डिफरेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ, राष्ट्रकूट वंश। डिफरेंट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथों, रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है महाबलीपुरम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 61वां नंबर, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है काठियावाड़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। युद्ध, अब देखते हैं बुद्ध का जन्म। ठीक फ्रेंड्स, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कनिष्क। ठीक फ्रेंड्स, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का आलंकन मिलता है या आंकलन मिलता है? ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कौन से गुप्त सम्राट के सिक्कों पर, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि कौन से गुप्त सम्राट हैं जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो वो था समुद्रगुप्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। 64वां नंबर देखिए, इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी, तो दूसरी बार पूछा है तो वो किसने कराई थी? तो वो कराई थी स्कंदगुप्त ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, ये 2100 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका लेवल देखकर आप समझ रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है, एकदम डीप में ही मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं या बनाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 65वां नंबर देखिए, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने टॉप पर पहुँच गया था? ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल के टाइम पर वैष्णव A1 क्वालिटी का हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कवि कालिदास का नाम कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है ओहोल। ठीक फ्रेंड्स, ओहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में मिलता है इनका नाम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 67 नंबर पर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था तो उसने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था? तो ये किया था रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये UPPCS में हजारों बार क्वेश्चन बनाया है, इसको कहा जाता था अग्रहार। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए अग्रहार। ब्रह्म विहार की पंच सिद्धांत का किससे संबंधित है? तो बताइए, ये है फलक ज्योतिष से। ठीक फ्रेंड्स, ब्रह्म विहार की पंच सिद्धांत का पुस्तक है ये, फलक ज्योतिष से संबंधित है। कई बार पूछा है कि जो ब्रह्म विहार है ये, इसके लेखक कौन है? तो ठीक फ्रेंड, ये पूछा है कि पंच सिद्धांत किसकी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताओ? तो ये थे ब्रह्म विहार। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए, किस साम्राज्य को हिंदू तत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्त काल को। किस चोल, ठीक फ्रेंड, किस चोल शासक की हत्या उग्र भीड़ ने कर दी थी? तो बताइए, ये था अधिराजेंद्र। ठीक फ्रेंड, पांडे राज की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती थी? तो वैंगी नदी। ठीक फ्रेंड, कई बार एग्जाम में बनाए, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत या माप सर्वे कराया था? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है कि जो चोल शासक थे इन्होंने भूमि का सर्वे वगैरह ये क्यों कराया था? तो नीचे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्यों कराया था इन्होंने? देखिए, सरकार के राजस्व भाव को निश्चित करने हेतु। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने भूमि का सर्वे वगैरह कराया होगा, मतलब जितनी भूमि है, जितना मतलब उसको सर्वे में भूमि बताई जाती थी, तो उसी हिसाब से कर वगैरह लगाया जाता था ताकि सरकार के राजस्व भाग को
निश्चित किया जा सके और इसे बढ़ाया जा सके। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बहचोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, कुलोत्तुंग। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नटराज। ठीक फ्रेंड, नटराज की प्रसिद्ध कहाँ से कलाकृति किस काल का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो बताइए, ये चोल काल का है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुर को, जो एक समय सिलोल की राजधानी थी, नष्ट कर दिया था? तो ऐसा किया था राजराज प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, राजराजा प्रथम ने, मतलब इसने श्रीलंका को नष्ट कर दिया था। और यहाँ के जो राजा रानी थे तो इनको बहुत ही, मतलब इनके साथ बहुत ही क्रूर यानी कि निर्दयता के साथ व्यापार किया था। ठीक फ्रेंड्स, और ऐसा कहा जाता कि ये चोल काल का ना सबसे कलंकित राजा था। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है ये चोल राज्य का, मतलब इन्होंने राजा के साथ और वहाँ की जो रानी थी श्रीलंका की, उसके साथ बहुत ही निर्दयता से, मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, जिसके कारण इसको चोल राजाओं का दुष्ट राजा या फिर बुरा राजा कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी तमिल की बाइबल कहा जाती है? ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड, ये है त्रिकुरल, याद रखना इसको, त्रिकुरल को तमिल की बाइबल कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जब चीनी राजा ने 220 ईस्वी में चीन के विशाल दीवार बनवाई थी, तो वो पूछा जा रहा है जो चीन चाइना की दीवार है वो किसने बनवाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, सी वांग टी ने। और ये एक ऐसा अजूबा है जो चांद के ऊपर से भी दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, ये दीवार चाइना की है, ये चांद के ऊपर से भी दिखाई देती है, इतनी मतलब बड़ी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 80 नंबर पे। ठीक फ्रेंड्स, मुद्रा के पांडवों की मछली जैसी, मतलब सिंपल वे में समझ लीजिए, ये पूछा जा रहा है कि जो मीनाक्षी, ठीक फ्रेंड्स, चलो मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। मुद्रा के पांडवों की मछली की सी, ठीक फ्रेंड, मछली जैसी आंखों वाली जो देवी मीनाक्षी है, उसकी पहचान किस रूप में की जाती है? तो पार्वती के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पूर्णमल ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर, पूर्णमल। आगे चलते हैं 82 पे। ठीक फ्रेंड, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिक, एलोरा और अजंता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 83। ठीक फ्रेंड्स, संगम काल में भारत में निर्मित होने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ठीक फ्रेंड्स, सारे प्रसाद की जड़ ये थे मसाले। ठीक फ्रेंड्स, उस टाइम भी, और यूरोपीय वगैरह आए थे तो उस टाइम भी बांसगोटी काम आया था मसाले ही लेने हमारे देश में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सभ्यता का उद्गम कहाँ हुआ है? तो सभ्यता का उद्गम हुआ था, ठीक फ्रेंड्स, सभ्यता का उद्गम घाटियों में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम, ठीक फ्रेंड्स, कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश नियमों को प्रस्तुत करता है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये था देवल समर्थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में ऐसे किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ये रखी थी बौद्ध धर्म ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 87 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में ऐसे किस एक संस्कृति ने अपने मृतभांडों को सर्वोत्तम चित्रित किया था? तो ये थी ताम्रपाषाण संस्कृति। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। इसमें बताना 88 नंबर में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मेगास्थनीज इंडिया, ठीक फ्रेंड्स, असफ घोष भोज चरित्र, पाणिनि। ठीक फ्रेंड्स, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त सही है। ठीक फ्रेंड्स, पाणिनि गलत है, ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? अगेन, ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कपूर मंजरी, ये हर्ष की नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष की 3 पुस्तकें हैं, एक है नागानंद और एक है रसिक प्रिया और एक क्या कहते हैं उसको, ठीक फ्रेंड्स, तीसरी है रत्नावली। ठीक फ्रेंड्स, रत्नावली, रसिक प्रिया और नागानंद, ठीक फ्रेंड्स, ये हर्ष की पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा प्राचीनतम भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी
के गलत जोड़े से मैच नहीं करता। ठीक है, सिंपल वे में ये समझिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, वो ढूंढना है हमें, तो ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। ठीक है, मौर्यों की पाटलिपुत्र राजधानी थी, पांड्य की मदुरई। ठीक है, हजारों बार पूछा है, काकतीय की वारंगल थी। ठीक है, लेकिन पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा आंसर। अदरक और दालचीनी बहुत ही बड़ी मात्रा में पांडे देश से उत्पन्न होते थे। ठीक है, ये बात बताई जा रही है कि अदरक और दालचीनी बहुत ही A1 क्वालिटी की होती थी पांडे देश में या पांडव के शासन में। ठीक है, इस बात का उल्लेख किसने किया है, तो इस बात का उल्लेख करता है मार्क पोलो। ठीक है, और ये मार्क पोलो कई बार पूछा जाता है कहाँ से आया था, तो ये इटली से आया था। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रिस्टान। ठीक है, प्रस्थान किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो ये था गोदावरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था, तो 10वीं शताब्दी है क्या कहीं। हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं शताब्दी में किया था। राजा तरंगिणी के अनुसार निर्वाचित द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था, तो ये था यशकर। ठीक है, आगे चलते हैं, सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया कब हुआ, मतलब ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले पहिया कैसा बना था, तो लकड़ी का बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूछ ले कि कौन से काल में बना था, तो नवपाषाण में। ठीक है, नया नया पहिया नवपाषाण काल में बना था लकड़ी का। ठीक है, और क्वेश्चन UPSC में कई बार अगर डीप में भी बन जाए, ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले अगर बाई चांस बन जाए कि जो ये नवपाषाण में पहिया बना था ये कहाँ बना था, ये बना था 2300 ईसा पूर्व, और आई थिंक ये बना था यूक्रेन और रूस की जो सीमा पड़ती है। ठीक है, पहले रूस के अंडर ही आता था ये सब। ठीक है, तो रूस में बना था, सबसे पहले प्राचीनतम पहिए का पर निर्माण मिलता है रूस के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, किस तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित किया था, तो देखते हैं। ठीक है, ये किया था गवांग। ठीक है, गवांग नांग्याल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैद अवेस्ता। ठीक है, तो ये पारसी धर्म का है। ठीक है, ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जैद अवेस्ता। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए शिव को। ठीक है, 90। ठीक है, गांधी जी आ गए हैं, गांधी के अनुसार हिंसा और क्रूरता के रूप में क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गरीबी की स्थायित्व। ठीक है, गरीबी का स्थायित्व बताया गया गरीब हिंसा और क्रूरता को। ठीक है, आगे चलते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसी के जब ये आए थे 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। आगे चलते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रस्थी वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका उल्लेख मिलता है, तो जो समुद्रगुप्त का प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में जो अभिलेख मिला है, तो उसमें जहांगीर का नाम लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया, तो इसमें चंद्र। ठीक है, जो ये दिल्ली की जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद में एक लोहे का खंभा है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, और उस खंभे पर ये लिखा है चंद्र। ठीक है, चंद्र लिखा है, तो आई थिंक इसको ना चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ के देखा जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का लोहा स्तंभ या बनवाया हुआ स्तंभ है। ठीक है, और हैरानी की बात ये है, ठीक है, हमारे देश के वैज्ञानिक वगैरह आज भी हैरान हैं, और हैरानी की बात ये है कि ये देख लो कब का खड़ा हुआ है, लगभग मान लो कितने साल हो गए, हजारों साल बीत गए, इसको आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगी। ठीक है, ये हैरानी की बात है। आगे चलते हैं, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, स्कंद गुप्त के काल में किया था। आगे देखते हैं, ईसा की 3री शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर एकाधिकार हो गए, तो ये मतलब ये पूछा जा रहा है जी, रोमन साम्राज्य को तो ख़त्म कर दिया था हूणों ने, तो रोमन साम्राज्य ख़त्म हो गया, तो भारतीयों का रोमन से व्यापार भी ख़त्म हो गया था, तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय व्यापार फिर किससे करते थे, तो ये करते थे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, बामन पुराण। ठीक है, बामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन है, तो ऑप्शन नंबर सी पशुपति। फ्रेंड्स,
पशुपति सबसे प्राचीन है। आगे चलते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय को सबसे ज़्यादा विकसित किसने किया, तो गुप्तों ने। ठीक फ्रेंड्स, पीछे पड़ चुके हैं हम, बट थोड़ा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन। आठवां देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो ये छांदोग्योपनिषद में। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। उदयन बास बद्धता के दंत कथा किससे संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये उज्जैन से। ठीक फ्रेंड्स, उज्जैन की जो बास बद्धता कथा है, वो दंत कथा है, तो ये उज्जैन से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, उज्जैन उज्जैन ही उज्जैन। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी अबाउट फॉर डैट, उज्जैन से संबंधित है, एक्सट्रीमली सॉरी। आगे चलते हैं, अफ्रीका। ये बताया जा रहा है कि अफ्रीका का जो कौन सा स्टेशन था जहाँ से महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, तो ये था। ठीक फ्रेंड्स, ये कौन, क्या नाम लिखा हुआ है, पीटर पीटर मरीट्सबर्ग। ठीक फ्रेंड्स, अजीब ही नाम है। महात्मा गांधी, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रम में से सबसे पुराना कौन सा है, तो ये है फिनिक्स आश्रम। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फिनिक्स आश्रम की खोज, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, फिनिक्स आश्रम कहाँ बनाया था गांधी ने, तो ये अफ्रीका में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 113वां नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सत्ता। ठीक फ्रेंड्स, बट आजकल सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, कल्याण कुल्याण तो कुछ नहीं, भट्टा बिठाने पे लगी हुई है सरकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कहा था ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। ठीक फ्रेंड्स, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बात बताई जा रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को, वाठीकरण ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का महात्मा गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का व्यापार समझता था। ठीक फ्रेंड, ये है इसका आंसर। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित थी, तो ये बताइए, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्किन थियोरो टॉल्स्टॉय। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 119वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 120 में, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे, तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जमुना लाल बजाज। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कौन थे, ये थे चार्ली एंड्रयूज। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ठीक फ्रेंड्स आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 122 पर पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी। कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ ले कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो आज़ादी का जो जश्न मनाया था, तो उस टाइम गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी थे कलकत्ता में। ठीक फ्रेंड्स, कलकत्ता में थे, क्यों थे, क्योंकि वहाँ पर दंगे भड़क गए थे, उनको शांत कराने के लिए वहाँ गए थे। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन बना है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था, तो ऐसा कहा था नेहरू ने। ठीक फ्रेंड्स, गांधी जी, आगे चलते हैं। गांधी जी को वन मैन ऑफ बाउंड्री फोर्स कहकर किसने पुकारा था, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 125 नंबर देखिए, निम्न में से किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद करके व्यतीत करें। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा कहा था
ऑप्शन नंबर डी, इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ये कहा था कि गांधी जी आप डायरेक्ट आंसर वगैरह मत कीजिए, या मतलब राजनीति में मत घुसिए, आप पहले एक साल अपना मुंह बंद करके और कान खोलकर पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, इस भारत की पूरी कंडीशन को देख लीजिए जगह जगह कर घूम कर, उसके बाद ही आप कुछ कदम उठाएं, फैसला करें। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स आगे चलते 126 नंबर पर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 126 नंबर में बताया जा रहा है कि कौन कहता था कि गलत, ठीक फ्रेंड्स आगे चलते हैं। गांधी जी ने यह कहा था कि गलत साधन हमें सब कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक फ्रेंड्स, गांधी जी ने ऐसा कहा था। आगे चलते हैं 127 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता, तो ऐसा भी गांधी जी ने कहा था। आगे चलते हैं, किसने यूरोपियन नील बागवान, ठीक फ्रेंड्स जो नील बागान के मालिक थे उनके बारे में बताया जा रहा है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल ने। ठीक फ्रेंड्स, इन्हीं ने गांधी जी को बताया था लखनऊ अधिवेशन वगैरह में कि आप आइए यहाँ बिहार में आइए और यहाँ के किसानों की हालत देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 129 नंबर देखिए। चंपारण की तीन कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था, तो ऑप्शन नंबर ए 3/20 भाग पर नील की खेती। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया गया था, मान लो ये एक खेत है तो इसका 3/20 भाग मतलब इस पूरे भाग पर, ठीक फ्रेंड्स इतने को छोड़कर इतने पर तुम कुछ और करो, जो इतना पूरा एरिया है ना ये खुला, तो ये 3/20 है, इस पर अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, तो एनजी रंगा ने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कही थी, ठीक तो ये था चोरी चोरा। ठीक फ्रेंड्स, चोरी चोरा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये जगह। ठीक फ्रेंड्स, चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, तो ये थे बारदौली में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 137 नंबर। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मुंजे ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 134 नंबर पर। 134 नंबर में आया असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर गांधी ने विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने पर किसने गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शायद मैंने पीछे ये बता दिया कि पीछे क्वेश्चन आया था ना कि विदेशी वस्तुओं को जलाए जाना निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था, तो उसे करेक्ट कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी दिया हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो उसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ऐसा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ आई थिंक मैंने भी शायद गांधी ही बता दिया है, बट आप उसे क्लियर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो किसने अपनी स्टडी वगैरह जो कर रहा होगा कॉलेज में, उस टाइम पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन रह गए थे, तो ऐसा था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक फ्रेंड्स, 136 नंबर देखिए। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर ठीक फ्रेंड्स ए हो जाएगा चित्तरंजन दास, या इनको CR दास भी कहते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 138 नंबर पर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आगे देखिए फ्रेंड्स 138 नंबर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 139 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं बी हो जाएगा वहाँ पर। 139 नंबर देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बना है, तो ये 1928 में आया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और क्यों आया था, तो प्रशासनिक सुधार के विचार करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी जयकर ने और तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इमरान से ये बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 141, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया था या रखा था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डी फ्रेंड्स आगे चलते हैं 142 में का, देखिए डी फ्रेंड्स।